कुरुक्षेत्र से भाजपा के सांसद नायब सैनी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिले की सभी 9 सीटों पर कमल खिलाने का दावा किया है। नायब सैनी कैथल में भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आए हुए थे। हमारी यहाँ कुरुक्षेत्र लोकसभा में 9 विधानसभा है, 9 की 9 विधानसभाओं में कमल का फूल खिलेगा। सारे कार्यकर्ता आज कंधे से कंधा मिलाकर के एकजुट होकर के कमल का फूल खिलाने के लिए आतुर है, जो ही चुनाव की घोषणा होगी। कैथल से रणदीप सुरजेवाला की उम्मीदवारी पर नायब सैनी ने कहा कि उनकी जीत की कोई संभावना नहीं है। नायब सैनी ने कहा कि विधायक होने के बाद भी रणदीप सुरजेवाला ने जींद से विधानसभा का उपचुनाव लड़कर लोकतंत्र का अपमान किया था और मुश्किल से अपनी जमानत बचा पाए थे। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने जींद के उपचुनाव के अंदर अपनी इज्जत को भी गांव पे लगा दिया था, और तब भी क्योंकि लोगों को प्रताड़न करने का काम इन्होंने किया और उसको भी मात्र 1000 वोटों से उसकी इज्जत उस बचा पाए, जमानती जब्त होने लगी थी। और ऐसा व्यक्ति था जो पहले ही विधायक था जिसने लोकतंत्र का अपमान करते हुए जींद से चुनाव लड़ा और यहाँ से भी उसका सुखड़ा साफ नहीं हुआ है, यहाँ की जनता भी उसको बचने वाली नहीं है। नायब सैनी ने दावा किया कि जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान हरियाणा की जनता का अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला है। प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की नीतियों पर मोहर लगा रही है। नायब सैनी ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने 74 सीटों का लक्ष्य दिया है, जिसे आसानी से प्राप्त कर लिया जाएगा। जिस प्रकार से जनता ने लोकसभा के चुनाव के अंदर एकजुट होकर के नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत से जिताने का काम किया है, उसी प्रकार से जनता तैयार बैठी है, क्योंकि जन आशीर्वाद यात्रा में हम देख रहे हैं जो लोगों का प्यार आशीर्वाद जो उमड़ करके आ रहा है, इतना जबरदस्त। हमने आज तक के इतिहास के अंदर इतनी बड़ी जो यात्रा के माध्यम से लोगों का आशीर्वाद मिलता है, सबसे बड़ा आशीर्वाद आज लोगों का घर से बाहर निकलना, यात्रा का समर्थन करना, सहयोग करना, अपने मुख्यमंत्री का आशीर्वाद देना, उसके विचारों को सुनना, घरों के ऊपर चढ़ के रास्तों के अंदर लोगों का क्या जबरदस्त रिस्पॉन्स उसके अंदर आता है, क्योंकि मनोहर लाल जी ने जो पिछले 5 वर्षों में तो जबरदस्त तरीके से हरियाणा की तस्वीर बदलने का काम किया, बिना भेदभाव के काम किया, बड़ी मजबूती से हरियाणा की नींव रखने का काम किया, और उसको लेकर के हरियाणा की जनता सर आंखों के ऊपर अपने मुख्यमंत्री को बिठा रही है। और ये जो नारा हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है कि अब की बात 75 पार, हरियाणा की जनता ये बोल रही है कि पहले भी जो हमने रिजल्ट दिया था वो 100/100 दिया था। चाहे दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। भाजपा की विधानसभा चुनाव में संभावनाओं के बारे में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।